हाय दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीपाल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एक रिसर्च हुआ था फैकल्टी ऑफ स्पोर्ट्स साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सट्रेमाडुरा जो स्पेन में हुआ था। जो ये स्पेन में जो रिसर्च हुआ था इसके अंदर ये कहा गया था कि जो स्विमिंग है, ये स्विमिंग जो तैरना है उससे जो मसल पेन होता है उसमें काफी यूजफुल रहते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था वही हम चीजें बताएंगे। इसमें कुछ लोगों को सिलेक्ट किया गया था जो 8 महीने का ट्रायल चला था। इसमें एक हफ्ते में दिन में 3 बार जाते थे, 1 घंटे के लिए स्विमिंग करते थे, हफ्ते में 3 बार 1 घंटे के लिए स्विमिंग करते थे। और इसे ये देखा गया कि जिन लोगों को मसल पेन्स वगैरह रहते थे, जो फाइब्रोमाइल्जिया था, उस फाइब्रोमाइल्जिया में काफी अच्छे और बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिले थे। इसके अलावा जो टेंडन्स के पेन होते हैं, जो लिगामेंट्स के पेन होते हैं, उसमें भी इससे काफी अच्छा रिलीफ मिला था। उसमें से कुछ पेशेंट्स जो थे उसको स्लिप की प्रॉब्लम थी, नींद अच्छी तरह नहीं आती थी, या जो डिप्रेशन वाले होते थे या मूड डिसऑर्डर इनका रहता था, ऐसे पेशेंटों को भी काफी अच्छा रिजल्ट्स में देखा गया था। तो ओवरऑल स्विमिंग का रिजल्ट्स फाइब्रोमायल्जिया में या मसल पेन में काफी अच्छा देखा गया था और ये रिसर्च स्पेन में हुआ था, इसीलिए लोग ज्यादातर लोग स्विमिंग को प्रीफर करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि स्विमिंग के क्या क्या बेनिफिट्स है और किस तरह से उसे करनी चाहिए। ये भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है, तो जिस तरह से आप एक्सरसाइज करते हो उसी हिसाब से इसे करना चाहिए। हालांकि ये भी कहा गया कि जो स्विमिंग है वो वेट लॉस में भी काम करती है। धावन और प्लवन दो चीज कही गई है, मतलब कि एक तैरना और एक दौड़ना, ये दो चीजें वेट लॉस में भी काम करती है। तो जिन लोगों का वेट ज्यादा है या जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग भी स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वो लोग एक हफ्ते में 5 बार भी कर सकते हैं या फिर डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत धीमे धीमे करनी होती है। जैसे आधे घंटा किया, फिर 1 घंटा किया, फिर हफ्ते में 3 दिन करो, फिर 4 दिन, फिर 5। जिस तरह आप एक्सरसाइज का टाइम पीरियड बढ़ाते हैं उसी तरह स्विमिंग का भी टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए। इसके काफी और भी बेनिफिट्स रहते हैं, डेफिनेटली मूड डिसऑर्डर में भी रहता है, नींद भी अच्छी आएगी और मसल पेन्स वगैरह जो रहते हैं वो तो है ही है। बॉडी की जो मूवमेंट्स है, जो फ्लेक्सिबल बॉडी है, तो वो काफी अच्छा रहता है इन चीजों के लिए। तो आज के वीडियो में यही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर स्विमिंग नहीं आती है तो आप स्विमिंग सीख सकते हो, और आती है तो आप उसे डेली बेसिस पे भी कर सकते हो या हफ्ते में 3 दिन तो एटलीस्ट करना ही चाहिए। ये काफी चीजों में बेनिफिशियल रहती है और फाइब्रोमायल्जिया में तो इसके रिजल्ट्स देखे भी गए और ये पब्लिश भी हुआ है इस रिसर्च, इसे आप गूगल वगैरह पे भी देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो मैं किसी और टॉपिक पे लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।